241 मील की पदयात्रा, 80 सत्याग्रही, सबसे बड़ा नमक सत्याग्रह था गांधी का। यहीं पे बसा है इतिहास दांडी का। हेलो इंडिया, नमस्कार। गुजरात का राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक, ये वही जगह है जहां अंग्रेजों द्वारा नमक पर लगाए जाने वाले टैक्स के खिलाफ आंदोलन किया था महात्मा गांधी ने। गांधी जी ने हमें अंग्रेजों से आजादी दिलाई थी। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि योग भी हमें रोग से आजादी दिलाता है। भारत की आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर गुजरात के 75 स्थानों पर होगा योग। जुड़ेंगे लाखों लोग। आप भी योग करें, फिट रहें। जगह पर गांधी जी के मॉरल स्ट्रेंथ की फील है। जिस तरह सत्य की अपनी ताकत होती है, उसी तरह योग की भी अपनी ताकत है। आइए गुजरात के अपने गांधी बापू को याद करते हुए सबसे पहले करते हैं ताड़ासन। इस मेमोरियल के शेप को देखिए, कुछ ऐसा ही शेप बनेगा जब आप करते हैं ताड़ासन। इससे फुल बॉडी स्ट्रेच होती है। शलभासन आपका पोस्चर बेहतर बनाता है, साथ ही हमारे किडनी और लीवर फंक्शन को सही रखता है। अर्ध वशिष्ठासन हमारे ब्रेन सेल्स को शांत रखने के साथ, यह आसन हमारे पोस्चर को बेहतर बनाने और स्पाइन के लिए बेनिफिशियल है। भूमासन हमें डाउन टू अर्थ रहना सिखाता है। बॉडी के अलाइनमेंट सही करने, बेटर डाइजेशन और स्पाइन को स्ट्रॉन्ग रखने में हेल्पफुल है भूमासन। कितने प्रकार होते हैं? क्या गांधी जी इसमें से कोई फॉलो करते थे? वैसे योग के 8 प्रकार है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। इसमें पहला यम है। यम में सत्य, अहिंसा और परिग्रह गांधी जी ने जीवन पर्यंत अनुसरण किया है। वैष्णव जन तो तेने रे कहिए जे। यहां गांधी जी का 15 फीट ऊंचा ब्रॉन्ज स्टैच्यू बनाया गया है, साथ ही सभी 80 सत्याग्रहियों के स्टैच्यूज रखे गए हैं। यहां टूरिस्ट के लिए आर्टिफिशियल लेक बनाया गया है और सोलर ट्रीज भी लगाए गए हैं। इस प्रिमाइस में नमक बनाने का पूरा प्रोसेस भी दिखाया जाता है। यहां लोग दांडी बीच, पिरामिड ऑफ लाइट और सूरत कासल भी देखने आते हैं। खुद के लिए, परिवार के लिए, समाज और देश के लिए योग करें, फिट रहें। जय हिंद।